बीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोटों के कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही प्रिंटर सहित हजारों के अर्धनिर्मित जाली नोट के कागज भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि यह गिरोह नेपाल के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय था। फिलहाल पुलिस इससे जुड़े अन्य सूत्रों की खोज में जुटी है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग सीमावर्ती क्षेत्र में जाली नोट के तस्करी में सक्रिय हैं और इसी आसूचना के संग्रह के आलोक में सबसे पहले रोशन कुमार शाह, पिता सुशील शाह बीरपुर को डिटेन किया गया। बाद में उससे विस्तृत पूछताछ की गई और पूछताछ के आलोक में यह पता चला कि इसके तार जो है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार तक जुड़े हुए हैं। और आगे के अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने विकास कुमार ग्राम पिपरा थाना बनवंखी को गिरफ्तारी की और एक अनमोल कुमार उर्फ मंगल शाह, जो कि मूल रूप से नारायणपुर जिला भागलपुर का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। और पता चला कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से जाली नोट के गिरोह में सक्रिय हैं और मुख्य सरगना जो अनमोल उर्फ मंगल है पहले भी जाली नोट के कांडों में आरोप पत्रित रह चुका है। उसके घर से पूर्व में भी प्रिंटिंग मशीन बरामद की गई थी। उन लोगों ने भी आगे अनुसंधान की कड़ी को जोड़ते हुए कटिहार में इसके निजी आवास से जाकर के प्रिंटिंग मशीन और काफ़ी अर्धनिर्मित नोट के शीर्ष जो है बरामद किए और कई लोग शामिल हैं इस घटनाक्रम में और हम लोग शीघ्र ही उसका भी खुलासा करेंगे ताकि पूरा चेन कंप्लीट हो।